है मुझे कि गेव इलेक्ट्रिक का बिल जमा कराने आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ना, कि मेरे पीछे रश दिख रहे हैं, ये कोई बिल जमा कराने का रश नहीं है, ये है एक बिरयानी का रश। जहाँ पर जो मेरे को ये बिरयानी लगती है, हफ्ते में एक दिन इसको खाया जाता है। अभी हमने भाई से बात की थी तो उन्होंने बताया कि हमने ये सिर्फ इसलिए जुमे को रखा है ताकि लोग इसको इंजॉय कर सके नमाज़ के बाद। इसको बहुत लाइक किया जाता है, लोगों को चावल खाने का बड़ा शौक है कराची में। कराची आए और बिरयानी नहीं खाए, ऐसा हो नहीं सकता। बस ज़रा सी ताखिर है और दिनों का इंतज़ार है। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोबाइल मार्केट है, सदर मोबाइल मार्केट के साथ ही ये बैम्बिनो सैनमा के साथ ये बिरयानी का स्टॉल लगा हुआ है। और चलिए देखते हैं हम लोग कि ये किस तरह की बिरयानी है, कैसी है, किस तरह लोगों ने रश लगाया हुआ है सिर्फ इसको खाने के लिए, ना कि कोई बिल जमा कराने आए। ऐसा लग रहा है मुझे कि केव इलेक्ट्रिक का बिल जमा कराने आए। तो चलिए इसे देखते हैं। का टेस्ट है। मैं टंडो आदम से आया हूँ और बिरयानी का जायका सुन के तो अभी देखो, अभी लेन मेरी कब तक आती, 5 बजे तक तो लंबर आ ही जाएगा, है ना। जैसे मैं पहले समझा था अल्लाह नाम पे चल रही है ये, लेकिन मैं जब लेन में लगा तो देखा लोगों के हाथ में पर्चियाँ, तो पता लगा ये यहाँ टोकन लेना पड़ रहा है। ये अल्लाह नाम नहीं, पैसे के नाम है ये। हाँ, जायके के लिए शायद 5 बजे तक तो लंबर आ जाएगा। हाँ, यही हिसाब से मुझे लग रहा है कि जल्दी आ जाएगा। आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। नज़ीर भाई, कहाँ से लेने आए हैं बिरयानी? हम तो डिफेंस से आए हैं। डिफेंस से यहाँ पर बिरयानी लेने आए? क्या बात है ऐसी कि डिफेंस से यहाँ पर? बस सुना है कि तारीफ है तो फिर हम भी आ गए। पहले कभी नहीं है? बस सुना है मीडिया पे। जी हाँ, इंशाल्लाह। जायके के लिए? जी जी, जायके के लिए। भाई आप कहाँ से आए? नवाबशाह से। तो क्या कभी पहले ट्राई किए? ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने देखी थी, वीडियो देखी थी, तो मैंने अब है यहाँ पर जुम्मा बिरयानी, तो अब देखते हैं, टेस्ट करते हैं, वो तब खाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा। पूरे नवाबशाह को बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइन में खड़े करने के लिए मैंने अपने साथ एक को लेकर आया हूँ। मैं तो खुद बिरयानी टेस्ट करने आया हूँ। यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है, कराची की मशहूर बिरयानी है। हर जुम्मे वो लगती है, जुम्मे इसके, और पूरी कराची से लोग आते हैं। दिनों के अंदर इंतजार तो होगा कि जुम्मा बिरयानी खाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जुम्मे का इंतज़ार ही करते हैं। और साथ अपने साथ बंदा एक लेकर आना होता है, क्योंकि आपको बिरयानी का टेस्ट इंजॉय करना है, वरना भूख जो है ना आपको मार देगी। अच्छा, आप लोगों को तरीका बता दीजिए, बंदा जरूर लेके आए अपने साथ। बिल्कुल, लाइन में खड़ा करने के लिए। केव इलेक्ट्रिक की लाइन में लग जाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि बिल भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। केव इलेक्ट्रिक वालों ने तो जीरा आराम किया, उसका टेंशन रिलीज करने के लिए यहाँ आते हैं।
कराची में आए और बिरयानी नहीं खाए तो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है। एक तो मुश्किल से मिलती है, जब मिलती है तो पैसे वसूल हो जाते हैं, लाइन में लगने के भी और पैसे भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बताइएगा ये कब से सिलसिला जारी है और हफ्ते में एक दफ़ा क्यों है? सर इसकी वजह ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा होने की, कि जुम्मे को लोग बिरयानी लाइक कर दें, और ये तकरीबन 12 साल हो गए इस बिरयानी को चलते हुए। 12 साल से ये सिलसिला जारी। कितने रुपए से शुरू करेंगे जी? ये हमारा जो बेसिक काम है ना, वो मार्केट में खाने की सप्लाई का काम है। हम यहाँ बिरयानी पैक करके लाते थे, तो किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ पर लाइव चलाई जाए, तो देखते देखते अल्लाह पाक ने बरकत दे दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की मेकिंग नहीं कहीं करीब में होती है। जी नहीं, असलम रोड, असलम रोड पे इसकी मेकिंग, ऑपोजिट SIUD हॉस्पिटल, सिविल अस्पताल और SIUD हॉस्पिटल। कितने साल चला रहे हैं आप? सिंगल 230 डबल 400। और कितने से शुरू किया था पहले? पहले सर हमने शुरू किया था 120 से, पहले थाल में। और हालात के मद्देनजर, महंगाई के मद्देनजर इसके रेट बढ़ाए गए, मसाला कम, तो इंशाल्लाह हम रीजनेबल प्राइस पे ही काम करते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह और ऑर्डरिंग का भी काम करते हैं। सर सोचा तो है, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक के, देखते हैं या तो इसी जगह पे और किसी और जगह पे या अपने किचन के बाहर। इसके अलावा हम शादी ब्याह और ऑर्डरिंग का भी काम करते हैं। अल मुस्तफा आ दे नहीं है चाचा, मैं वही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे। हजरत अल मुस्तफ़ा का एड्रेस सर ये है, पकवान सेंटर का एड्रेस है सर, SIUD हॉस्पिटल ऑपोजिट ट्रामा सेंटर और सिविल अस्पताल, उसके नज़दीक बोरा पीर है। बोरा पीर पे अल मुस्तफ़ा के नाम से बारबेक्यू बाइट्स खुला था, जो अब इस वक्त बंद है, वहीं हमारा कैटरिंग है। और मेरा नाम माजिद है, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ सर। मुस्तफ़ा भाई आजकल बाहर गए हुए इसलिए वो है नहीं, वरना तो इंशाल्लाह वो खुद आपको इंटरव्यू देते और सब कुछ बता देते।